यूं तो हर इंसान के पास कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है, लेकिन उसे पहचानने की कला कुछ ही लोगों में होती है। इनमें से कुछ लोग तो इतने टैलेंटेड होते हैं कि उनका हिडन टैलेंट देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही टैलेंटेड लोगों के टैलेंट दिखाने जा रहे हैं जो आपने शायद ही पहले कभी देखे होंगे। तो देर किस बात की, लेकिन वेट, ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मिलिए इस निशानेबाज भाई से जो ताश के एक पत्ते को हवा में उछालकर एलोवेरा को बीच में से काट देता है। बंदा वाकई इनक्रेडिबल है। आइए अब मिलते हैं इस हुनरमंद इंसान से जिसकी कलाकारी आपका सिर चकरा देगी। इस शख्स ने तालाब में उगे एक पौधे को एक खूबसूरत हार में बदल दिया। लेकिन रुकिए, अभी तो इसका असली टैलेंट सामने आना बाकी है। इसने पौधे के एक हिस्से को इस तरह से दबाया कि ये खिला हुआ फूल में बदल दिया। इस बंदे का टैलेंट आपको दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर देगा। देखिए तो बैलेंस बिठाने में ये बंदा कितना मास्टर है। वैसे बैलेंस तो इस बंदे का भी कमाल का है जो ढेर सारे सामान के साथ भीड़ भाड़ वाली सड़क पर हैंडल छोड़कर साइकिल चला रहा है। ये वीडियो देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा रहे हैं और कह रहे हैं कि लाइफ में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस तो जरूर होना चाहिए। इसी तरह यहाँ ये भाई सिर पर भूसे की एक गठरी रखकर साइकिल दौड़ाए जा रहा है और उसने दोनों हाथ छोड़े हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि यह बंदा रास्ते में आने वाले मोड़ को भी आसानी से पार कर जाता है। दोस्तों, हैंडल छोड़कर साइकिल चलाना रिस्की होता है, इसलिए वायरल नामा आपसे रिक्वेस्ट करता है कि ऐसी गलती भूलकर भी ना करें, यातायात नियमों का हमेशा पालन करें। फ्रेंड्स, हम इंसानों के बॉडी पार्ट्स एक लिमिट तक ही फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन ये बात इस कैनेडियन पर लागू नहीं होती। ये बंदा अपने हाथों को इस तरह मोड़ रहा है मानो हाथों में हड्डियां हैं ही नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर हमारा टारगेट है कि इसे कम से कम 1000 लाइक्स तो जरूर मिले। अगर हम लोग मिलकर इस टारगेट को अचीव करते हैं तो हम आपके लिए लाएंगे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो इसी बात पर अब भी ठोक दीजिए अपना लाइक। इस लड़की की बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी का तो कोई जवाब नहीं। ये अपने पैरों को घड़ी की सुइयों की तरह लगभग 270 डिग्री के एंगल तक घुमा लेती है। क्यों, मान गए ना गुरु? कुछ लोग मशीनों से भी ज्यादा स्पीड में काम करते हैं। यकीन नहीं हो तो इन महाशय को देख लीजिए जो गजब की स्पीड के साथ स्टैंप लगा रहा है। समझ नहीं आता आखिर कोई इंसान इतनी स्पीड में कैसे काम कर सकता है। आइए कोई एक और मशीनी आदमी से मिलाते हैं जो हाथों के बल सिर्फ 15 सेकंड में 50 सीढ़ियां उतर जाता है। इतने कम समय में हम तो पैरों से भी 50 सीढ़ियां नहीं उतर सकते। और एक ये बंदा है कि गजब टैलेंटेड लोग हैं। इसी तरह ये वेटर भी सिर्फ 6 सेकंड में टेबल पर मैट बिछाकर पूरी की पूरी टेबल ही सेट कर देता है। भाई वाह, मान गए। लेकिन आप ये सब ट्राई करने की कोशिश मत करना, ऐसा करना सबके बस की बात नहीं है। उंगलियों को यूं नाचता देखकर आप सोच रहे होंगे कि अब तक तो हमने उंगलियों पर नचाने वाली कहावत सुनी थी, लेकिन ये क्या माजरा है भाई? तो आपको बता दें कि ये कोई माजरा नहीं बल्कि इस लड़की के हाथों का टैलेंट है जिसे देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह जाएं। दोस्तों, आपके लिए एंटरटेनिंग वीडियोस बनाने में हमें हफ्तों की मेहनत लगती है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें कमेंट करके अपनी बेशकीमती राय जरूर दें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमें सुपर थैंक्स देकर सपोर्ट भी कर सकते हैं। वीडियो में दिख रहा है कि ये लड़का गजबे टैलेंटेड है। आप जिस जानवर का नाम लेंगे ये लड़का उसकी आवाज निकाल देगा।
हमारा दावा है कि इस लड़के का ये खास टैलेंट देखकर आप दंग रह जाएंगे। मुर्गी, कौवा की, शेर की, भैंस की, बालक की लगाड़ छोड़ेगा। इसी तरह इस शेफ का नान रोटी बनाने का यह स्टाइल आपका दिल ही जीत लेगा। अपने दोनों हाथों से ये नान को ऐसे घुमाता है कि आसपास खड़े लोग तालियां बजाने को मजबूर हो जाते हैं। इस शेफ के टैलेंट पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइए ना। इस वीडियो में ये दो टैलेंटेड औरतें इस पोल के बाहर एक इल्यूजनरी कवर बनाती दिख रही हैं और इसे काले और सफेद रंग से कलर करती हैं। इसके बाद वे पोल के आसपास एक कॉलम बनाती हैं ताकि इसे इल्यूजन का रूप दिया जा सके। अब ये शानदार इल्यूजन वाकई भ्रमित कर देने वाला नजर आ रहा है, जिसे देखकर एक बार की कोई भी चकरा जाए। दोस्तों, वॉल आर्टिस्ट तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन हम जिस आर्टिस्ट से मिलाने जा रहे हैं वैसा आर्टिस्ट आपने नहीं देखा होगा, जो दीवार की तरफ बिना देखे दोनों हाथों से पेंटिंग बनाना जानता हो। क्यों है ना कमाल? जिन ऊंचे ऊंचे झूलों को देखने भर से ही सांसें अटक जाया करती है, उन्हीं झूलों के ऊपर चढ़कर यह शख्स रस्सी घुमाते हुए अपना टैलेंट दिखा रहा है। इस वीडियो में भी जिस तरह से ये टैलेंटेड बच्चा पत्थर पर लकड़ी के डंडों को पीट बजा रहा है, उसे सुनकर आप वाह वाह करने लगेंगे। भाई, ये तो तय है कि ये बच्चा बड़ा होकर पापा का नाम रोशन करेगा। इसी तरह यहाँ इन चार बच्चों की जुगलबंदी सबका दिल जीत रही है। वीडियो में देख सकते हैं कि ये सभी पेड़ का कटा हुआ एक एक हिस्सा लेकर म्यूजिक बनाने में लगे हुए हैं। उन्होंने खाली बोतलों से ही ऐसा म्यूजिक बनाया है जिसे सुनकर दिल खुश हो जाएगा। अब हम जिस बच्चे से आपको मिलाने जा रहे हैं उसकी पीएम मोदी भी तारीफ कर चुके हैं। शालमली नाम की यह बच्ची कन्नड़ गाने पर इतना शानदार पियानो बजा रही है कि देखकर ही दिल खुश हो जाए। ना ना दोस्तों, ये कोई स्पाइडरमैन, सॉरी स्पाइडर वूमेन नहीं है, बल्कि ये तो इस बंदी का अनोखा टैलेंट है जिसमें ये उछल कूद कर इतनी ऊंची दीवार के ऊपर चढ़ सकती है। क्यों है ना गजब का टैलेंट? पीछे सुर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर की तस्वीर लगी है और उस तस्वीर के आगे खड़े इस हुनरबाज बंदे ने कागज को कुछ इस तरह से काटा कि कुछ ही सेकंड में लता दीदी की हूबहू वैसी ही आकृति बन गई। यहाँ ये लड़की बीच सड़क पर साइकिल चलाते चलाते अचानक रस्सी कूद वाला खेल खेलने लगी। जाहिर है इस दौरान लड़की का कॉन्फिडेंस और बैलेंस तो कमाल का है। उसने साइकिल के हैंडल से हाथ हटा दिया और दोनों हाथों में रस्सी थाम ली, लेकिन छोटी सी चूक होती तो ये स्टंट भारी भी पड़ सकता था, पर कमाल का था। वीडियो के आखिर में आपको एक मजेदार टैलेंट भी दिखाई देते हैं, जिसमें महिला अपने दोनों हाथों में गोबर के बने ताजे उपले लिए है और वह उन्हें हवा में जैवलिन थ्रो की स्टाइल में कई फुट ऊंचा उछालकर दीवार पर लगा रही है। गजब बात तो यह है कि उसका एक भी निशाना चूक नहीं रहा, सारे उपले बिल्कुल एक सटीक जगह पर जाकर चिपक रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।